नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो के नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @ पढ़ो तो ऐसे से जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों का सिलेबस है, सेमेस्टर 4 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर पढ़ना है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग हेल्थ के डेफिनेशन को जानने का प्रयास करेंगे। सो हेल्थ इज द सम ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। आपको हेल्दी तब कहा जाएगा जब आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बेहतर हैं और फिट हैं। हेल्दी होने का ये मतलब नहीं होता कि आप में कोई बीमारियां नहीं है। इसके साथ साथ आपको सामाजिक और मानसिक तौर पर भी फिट होना होता है। और अगर आप मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट हैं तो कहा जाएगा कि आप एक हेल्दी पर्सन है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश पीरियड की। तो दोस्तों ब्रिटिश पीरियड में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में और हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में दोस्तों। लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस हमेशा से डिमांड कर रही थी, 1930 के दशक से ही उसके डिमांड आ रहे थे कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस के हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करो और हमें बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने का कष्ट करो। दोस्तों इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो अंग्रेजी प्रशासन होती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, यह 1943 में एक कमेटी का गठन करती है। उसका नाम होता है वोहरे कमेटी। वोहरे कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? सर जोसेफ वोहरे। और दोस्तों ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने के दृष्टिकोण से देखा जाए। आज भी जो हम हेल्थ केयर सिस्टम को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं वोहरे कमेटी की झलक इसमें हमें देखने को मिलती है। अर्थात वोहरे कमेटी ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया, एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया हमें, एक ऐसा मॉडल दिया जिस पर हमने आजादी के बाद भी अपने हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप किया। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि भाई अंग्रेज तो कभी भी हमारी भलाई नहीं करना चाहते थे, पर ऐसा क्या परिस्थिति हुआ कि ये वोहरे कमेटी इतना अच्छा रिकमेंडेशन दे दिया। ये अपना जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था इससे अलग होकर वेलफेयर पर्सपेक्टिव से रिकमेंडेशन दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वोहरे कमेटी का रिपोर्ट 1946 में सबमिट हुआ। और वोहरे कमेटी जब 1943 में सेटअप हुआ तो दोस्तों उस समय स्वतंत्रता वाले जो आंदोलन हमारे देश में चल रहे थे, जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, वह अपने पीक पर थे। अंग्रेजों को पता था और वोहरे कमेटी को भी पता था कि आज ना कल हम लोग को हिंदुस्तान छोड़कर जाना ही पड़ेगा, बस कुछ ही दिनों के हम यहाँ मेहमान हैं, तो क्यों ना जाते जाते हम कुछ बेहतर करके जाएं। इसीलिए वोहरे कमेटी ने हमें इतने अच्छे सुझाव दिए जो कि हमारे फ्यूचर के लिए भी एक बेंचमार्क बने, जिस पर हमारा नेशनल हेल्थ केयर सेक्टर डेवलप हुआ। तो दोस्तों इस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? तो सबसे पहले इस कमेटी ने बोला कि भाई हमें 3-टीयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। पहला विलेज लेवल पर आपको डेवलप करना पड़ेगा। विलेज लेवल पर क्या डेवलप करना पड़ेगा? तो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स को डेवलप करना पड़ेगा जो कि आपको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगी, जैसे कि फर्स्ट एड और थोड़ा बहुत इसी प्रकार का। दूसरा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें सेट करना होगा सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप होंगी, वो क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। अर्थात वो बीमारियों को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति को फीवर हो जाता है तो फीवर को ये जड़ से मिटाएगी, ब्लड टेस्ट करेगी, साथ ही साथ अगर स्टोन का अगर प्रॉब्लम है तो सर्जरी करेगी, मतलब क्यूरेटिव सर्विस प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों जो तीसरा टीयर होना चाहिए वो स्टेट के अर्बन सेंटर्स में होना चाहिए। जो एक राज्य है और राज्य के जो कुछ थोड़े बहुत विकसित शहर है वहां पे एक अर्बन सेंटर होना चाहिए जो कि टर्सरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं
वहां दोस्तों मेडिकल के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, मेडिकल टीचिंग दी जाएगी और साथ ही साथ उन सेंटर्स में रिसर्च भी होगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर कि हम किस प्रकार से और भी अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रिकमेंडेशंस दिए गए थे वोहरे कमेटी के द्वारा, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य कमेटियों की जो कि हेल्थ से रिलेटेड थे और जिनका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। देखिए हमारी सरकार समझ गई थी कि जब तक हम लोग अपना हेल्थ केयर सर्विसेज को डेवलप नहीं करते बेहतर तरीके से, तब तक हम राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं अचीव कर पाएंगे, साथ ही साथ हम नेशनल डेवलपमेंट भी सही से नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारी कमिटीज हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए और उनको बेहतर बनाने के लिए सेटअप की गई, लेकिन जितनी भी कमिटी सेटअप हुई सभी ने वोहरे कमिटी के रिपोर्ट को आधार माना, ब्लूप्रिंट माना, बेंचमार्क माना और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने सुझाव दिए जिससे हम भारत में हेल्थ केयर सर्विसेज को डेवलप कर पाए। तो आप देख सकते हैं वोहरे कमेटी कितना इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों सबसे पहली कमेटी जो सेटअप हुई वह थी मुदालियर कमेटी। ये मुदालियर कमीशन से अलग है जो कि एडुकेशन के लिए सेटअप किया गया था, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा है चड्डा कमेटी जो कि 1963 में सेटअप की गई। फिर है मुखर्जी कमेटी जिसका 1965 में गठन हुआ। फिर है जुंगन वाला कमेटी जिसका 1967 में, करतार सिंह कमेटी 1973, श्रीवास्तवा कमेटी 1975। तो हम इन कमेटियों को देखेंगे जब इनका रेफरेंस आगे के लेक्चर में आएगा, तो उस समय तक आप इन कमेटियों को याद रख सकते हैं। दोस्तों हम अपने हेल्थ केयर पॉलिसीज को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। 1947 से लेकर आज तक जो हेल्थ केयर पॉलिसीज बनी उनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला जो हमारा पॉलिसीज बना वह कॉलोनियल अप्रोच को अपनाते हुए बना, जो कि 1947 से 1983 तक बना। और दूसरा जो हेल्थ केयर पॉलिसीज बना उसमें हमने इंडियनाइजेशन किया, उसमें हमने अपने भारत के सिस्टम को इम्प्रूव करने का और इंडिजीनियस सिस्टम को उसमें इनपुट करने का प्रयास किया। तो दोस्तों जो कॉलोनियल अप्रोच के द्वारा जो हेल्थ केयर पॉलिसीज डेवलप की गई 1947 1983 के बीच में, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह इस प्रकार है। सबसे पहला, कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हेल्थ पॉलिसी नहीं बनाई गई, सभी हेल्थ पॉलिसीज को 5 ईयर प्लान के तहत ही रख दिया जाता था। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगले स्लाइड में, आप देखिएगा कि हेल्थ केयर पॉलिसीज जो 1983 तक आई सबको 5 ईयर प्लान्स के तहत ही इम्प्लीमेंट किया गया और फॉर्मुलेट किया गया। साथ ही साथ दोस्तों जो 1947 से 83 के बीच में पॉलिसीज आई दोस्तों वह अर्बन ओरिएंटेड थी, सिर्फ शहरों पर ही इनका ध्यान केंद्रित था और इन्होंने गांवों को एक तरह से निग्लेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव आता है 1983 में, सबसे पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है और ये पहला फुल फ्लेजेड हेल्थ पॉलिसी होती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया एक सेपरेट एंटिटी के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है, 5 ईयर प्लान से अलग हटाकर इसको एक सेपरेट पॉलिसी के रूप में डेवलप किया जाता है। और दोस्तों ये भी कोशिश करती है कि हम गांवों को भी कवर करें और वहां भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करें। तो चलिए हम इन दोनों अप्रोचेस के तहत जितनी भी हेल्थ केयर पॉलिसीज लाई गई इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर जब हम 1983 पर पहुंचेंगे तो हम यहाँ से नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन ये भी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इनको ध्यान से हम लोग स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया कि 1983 तक जितने भी पॉलिसीज आए हमारे भारत में सब कॉलोनियल अप्रोच को फॉलो करके आए और सभी के सभी 5 ईयर प्लान के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट किए गए।
तो जो पहला 5 ईयर प्लान था और जो दूसरा 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक और 56 से लेके 61 तक, इन दोनों 5 ईयर प्लान के माध्यम से सरकार का एक ही लक्ष्य था, जो महामारियां हमारे हिंदुस्तान में टाइम टू टाइम आ जाती हैं हम उसे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये महामारियां थी मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, टीबी, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, ट्राइकोमा जो कि आँख की एक बीमारी होती है, और कोलेरा जिसको हम लोग हिंदी में हैजा कहते हैं। इन बीमारियों से लड़ने में कुछ संस्थानों ने भी भारत सरकार की मदद की, जैसे कि यूनिसेफ, WHO और रॉक फ्लेयर फाउंडेशन। दोस्तों इन बीमारियों से लड़ने में काफी ज्यादा मैन पावर और वर्क फोर्स की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों परिस्थिति तो ऐसी आ गई कि जो आर्मी पर्सनल्स थे उनको भी कमीशन करना पड़ा कि आप भी जाओ भाई और हेल्थ केयर वर्कर्स का मदद करो इन बीमारियों से लड़ने में और इन बीमारियों को हरा कराओ। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो आपका NMEP प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, सिर्फ इसमें 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़े हुए थे जो कि 400 यूनिट्स में बटे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा प्रोग्राम चला हुआ था TEP, दैट इज द ट्यूबर क्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसमें भी बहुत ह्यूज वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी थी, और इस प्रोग्राम के माध्यम से वैक्सीनेशंस दिए जाते थे BCG के, साथ ही साथ TB क्लिनिक्स खोले जाते थे ऑन द डिफरेंट प्लेसेस इन आवर कंट्री, और घर जा जाकर दोस्तों वैक्सीनेशंस दी जाती थी। ठीक है, और ये सब जो प्रोग्राम्स हुए जो महामारियों से लड़ने के लिए, ये पूरी तरह से तो सफल नहीं हुए पर काफी हद तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था इन प्रोग्राम्स का। पूरी तरह से सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि दोस्तों उस समय भी हमारी जनसंख्या काफी हुआ करती थी, और साथ ही साथ उस समय हमारा देश तुरंत ही आजाद हुआ था, हमें स्वतंत्रता पाए मात्र 20 साल के आसपास ही हुए थे। इसी कारण हमारे पास उतना वर्कफोर्स नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो महामारी से लड़ने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए ना, इनको थर्ड जो 5 ईयर प्लान बनाना इसमें भी कंटिन्यू किया गया था, मतलब ये लगभग 1965 तक चले थे। तो इसको मैं दोबारा से अगले स्लाइड में इंक्लूड नहीं करूंगा, तो जब मैं थर्ड 5 ईयर प्लान बताऊंगा तो ये चीज आप वहां लिख सकते हैं दोबारा से। दोस्तों लेकिन इस प्रोग्राम का एक ड्रॉबैक था कि ये अर्बन बायस था, इसने ज्यादा शहरों पर फोकस किया और गांव की जनता को छोड़ दिया, उस पर इसका ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। अब दोस्तों होता क्या है, 1959 में वही जो कमिटीज का मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में चर्चा किया था, मुदालियर कमेटी बैठती है और ये रिपोर्ट सौंपती है 1961 में। इसको काम दिया गया भैया कि आप जो भी हेल्थ पॉलिसीज 2 5 ईयर प्लान्स के तहत लाए गए, ये 2 5 ईयर प्लान्स के तहत आप इसको रिव्यू करें। तो दोस्तों इस कमेटी ने कहा कि आपने जितने भी प्रोग्राम चलाए वह कुछ हद तक सफल थे, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने की। क्योंकि दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, जो कि वोहरे कमेटी ने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल होना चाहिए सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसा ही सरकार ने किया, हॉस्पिटल्स खोले गए, आज भी है और आज भी भाई बैड कंडीशन ही होता है लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उस समय ही इस कमेटी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका कंडीशन बहुत ही खराब है, इसको सुधारो, वहां डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है वहां, फिर पैरामेडिकल स्टाफ्स नहीं होते जैसे कि नर्सेस और कंपाउंडर्स, ये सब जो होते हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलियरी स्टाफ्स के नाम से, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। बेड्स नहीं होता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो ये सब कुछ हाइलाइट्स होते हैं आपके जो दिए जाते हैं मुदालियर कमेटी के द्वारा। और फिर इसके बाद इसको ठीक करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं जिस प्रकार से हम अपने नेशनल हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहला जो आपका सुझाव होता है वह होता है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स हैं गाँव में उसको आप अपग्रेड करो, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर बनाओ, और जिन गाँव में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं हैं आप वहाँ पे मोबाइल क्लिनिक्स की व्यवस्था करो। जैसे कि आप जानते होंगे जो वैन होता है, जो बसेस होते हैं, अब गाँव में जाते हैं और वहीं वे सैंपल वैम्पल ब्लड ये सब का लेते हैं और वहीं पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसी तरह का कुछ आपका रिकमेंडेशन दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो डॉक्टर्स के सर्विस कंडीशंस हैं, डेट इज सैलरी,
एंड उसके जो रहने की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करो, ताकि वो गांव के तरफ जाएं और जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां काम करने के लिए राजी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वहां ट्रीटमेंट करने के लिए राजी हो। तो दोस्तों ये जो सुझाव होते हैं, ये थर्ड 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट होता है तो इसके 1-2 साल के बाद इसको अपना लिए जाते हैं और बहुत बेहतर काम किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ आप देखेंगे इस समय युद्ध भी चल रहा होता है चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान से युद्ध चल रहा होता है, तो उस समय हमारे पास फंड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से जो डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वह सरकार के द्वारा कर दी जाती है, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वह कुछ हद तक दोस्तों बेहतर बन जाती है। साथ ही अभी तक भी मैंने आपको बताया था कि थर्ड 5 ईयर प्लान के मिड तक, लगभग 1965 तक, महामारियों को खत्म करने के लिए प्रोग्राम्स चल रहे थे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है और वो प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल होते हैं, और इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी अब बेहतर हो गया, अब डेथ रेट में कमी आ गई, बर्थ रेट राइज करते जा रहा है, बर्थ रेट में कोई जो रेट था उसमें कोई कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग थे ज्यादा एडुकेटेड नहीं थे, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ पता होता तो था नहीं। तो ये चीज आपको थर्ड 5 ईयर प्लान में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपका होता है प्रोविजन वो होता है कि हम ऑक्सिलियरी स्टाफ को रिक्रूट करें। डॉक्टर की जो कमी थी वह कुछ हद तक समाप्त हो गई, लेकिन जो ऑक्सिलियरी स्टाफ्स हैं जैसे कि नर्सेस हैं, जैसे कि कंपाउंडर्स हैं, उनको रिक्रूट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन बूम हो गया, और इस पॉपुलेशन बूम के लिए फैमिली प्लानिंग का भी शुरुआत किया गया। भाई इसके लिए एक चड्डा कमेटी को गठित किया गया और इसने अपने रिपोर्ट को 1963 में दिया और बोला कि भाई अगर आपको हेल्थ को अगर बेहतर बनाना है तो आपको हेल्थ के साथ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को भी जोड़ना पड़ेगा, और भाई 10,000 पॉपुलेशन के लिए आपको एक मेल वर्कर और एक फीमेल वर्कर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे फैमिली प्लानिंग का महत्व क्या होता है, हम दो हमारे दो से क्या फायदे होंगे, और इसके बाद उनको कन्विंस किया जाएगा कि वह एस्टराइल करा ले, मतलब वह नसबंदी करा ले। तो दोस्तों जब इंड होने रहता है 5 ईयर प्लान थर्ड वाला, तो इस समय कैंप अप्रोच चलता है। कैंप अप्रोच के तहत लोगों को लाया जाता है कैंप्स में और वहीं उनको एस्टराइल कर दिया जाता है, उनके सहमति से ही होता है, लेकिन हाँ उनको समझाकर बुझाकर सिखाकर किसी प्रकार से कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक मुखर्जी कमेटी का गठन होता है 1965 में, कि भाई आप देखो कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए हम जो स्टाफ का पैटर्न रखे हैं और साथ ही साथ जो फिनेंशियल प्रोविजंस है ये कैसा है, आप इसका रिव्यू करो। तो ये कमेटी बोलती है, मुखर्जी कमेटी, कि आप जो कैंप अप्रोच अपना रहे हैं ये बेहतर नहीं है, आपको कैंप अप्रोच के जगह पे टारगेट बेस्ड अप्रोच को अपनाना होगा फॉर फैमिली प्लानिंग। यहाँ फैमिली प्लानिंग होगा, यहाँ दो बार फैमिली नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, और फिर उसके बाद इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि अगर आप अपने आप को एस्टराइल कराएंगे तो आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, आपको कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा, और ये जो कैंप अप्रोच होता है ये टारगेट बेस्ड अप्रोच में चेंज हो जाता है, और फैमिली प्लानिंग का जो शुरुआत है वह हो जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान से हमारे देश में। दोस्तों हमने पीछे पढ़ा कि जो मुदालियर कमेटी थी उसने कुछ सुझाव दिए जिसके माध्यम से हम गांव तक भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचा सकते थे, लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान बना उसने ज्यादा फोकस इन रिकमेंडेशंस पर नहीं किया, बस उसने 1-2 रिकमेंडेशंस को सिर्फ सीरियसली लिया, बाकी सारा का सारा ध्यान जो था वो फैमिली प्लानिंग पर शिफ्ट कर दिया गया। वह 1-2 रिकमेंडेशन था कि सबसे पहला तो भाई काम भर डॉक्टर्स को रिक्रूट कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और कुछ हद तक आपके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स में भी जो कि विलेज लेवल में थे, और जो ऑक्सिलियरी स्टाफ थे उनका काम भर भर्ती कर लिया गया, बाकी कोई भी जो रिकमेंडेशंस थे जो मुदालियर कमेटी का उस पर फोकस नहीं किया गया। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में सरकार ने यही मन बनाया कि भाई बहुत सारे अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, हम वहाँ पहले PHCs को प्रोवाइड करेंगे, और भाई जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ठीक करेंगे, और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर्स में भी मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों सरकार ऐसा नहीं कर पाई। दोस्तों ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था
ये भी अर्बन बायस था, इसने भी ज्यादा फोकस अर्बन सेंटर्स में रखा। और एक चीज और इसके द्वारा कंटिन्यू किया गया, फैमिली प्लानिंग, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसमें अप्रोच को बदल दिया गया, जैसा कि मुखर्जी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि कैंप अप्रोच से टारगेट बेस्ड अप्रोच की ओर हमें जाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th 5 ईयर प्लान में, 1974 से 1979, जहां बहुत ही बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। तो दोस्तों, क्यों हाई वोल्टेज ड्रामा होता है? क्योंकि इसी समय में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1975 से 1977 तक, जिसको हम लोग अभी इसमें देखने वाले हैं। तो जो आपका 4th 5 ईयर प्लान में सरकार ने मन बनाया था कि हम बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटीज गाँव में भी प्रोवाइड करेंगे, उसे रियल सेंस में 5th 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया गया। और सरकार एक प्रोग्राम चलाती है, मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसके तहत जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और जो आपके फैसिलिटीज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसको गांव में प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है हेल्थ केयर का, उसको इम्प्रूव करने पर फोकस किया जाता है। और जितने भी स्टाफ्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, भाई उनको एडुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वह बेहतर क्वालिटी का आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय जो होता है, सरकार के पास ज्यादा फंड नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस था, वह कहीं ना कहीं 1975 के आसपास से शुरू हुआ, जो कि लास्ट में एलपीजी रिफॉर्म लाने के बाद ही अंत होता है। तो सरकार एक श्रीवास्तव कमेटी का गठन करती और कहती है कि भैया, जो बर्डन है पैसे को लेकर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में सरकार पर, उस पर आप कुछ सुझाव दें। तो श्रीवास्तव कमेटी बोलती है कि भाई, आप जो यूनिपर्पस वर्कर स्कीम लेकर चल रहे हैं ना, कि जो कंपाउंडर है वह सिर्फ इंजेक्शन ही लगा रहा है, कंपाउंडरी का ही काम कर रहा है, इसको बदलो। आप मल्टीपर्पस वर्कर स्कीम ला सकते हो, जैसे जो पैथोलैब में है, जो ब्लड टेस्ट कर रहा है, भाई वो कंपाउंडर का भी काम कर सकता है। तो आप एक व्यक्ति से बहुत सारे काम लो, इससे आपको सैलरी एक ही देना पड़ेगा, काम आपके निकल जाएंगे, आपका बर्डन कम होगा। तो ऐसा ही किया गया सरकार के द्वारा, और कुछ हद तक बर्डन कम हुआ। इसके बाद दोस्तों आता है नेशनल इमरजेंसी, और इसमें हमारी सरकार अथॉरिटेरियन ओवरटोन ग्रहण कर लेती है, और जबरदस्ती लोगों को फोर्स करके नसबंदी कराया जाता है, और जिससे काफी मात्रे में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में जो नसबंदी है, जो स्टरलाइजेशन है, वह सही से नहीं हो पाता। और जब ये अंत होता है, तो उसके बाद जो सरकार का फोकस होता है, वह सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी खत्म होता है। क्योंकि 77 में ये खत्म होता है, और जो 5th 5 ईयर प्लान था, ये तो 79 तक था ना, तो जो 2 साल होते हैं, इस चीजों पे फोकस किया जाता है, ऑन द सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में। तो दोस्तों ये था 5th 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5th 5 ईयर प्लान के बाद जो कॉलोनियल अप्रोच होता है, वह चेंज होता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे कोशिशें की जाती है सरकार के द्वारा, और सरकार चाहती है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम इंडियनाइज कर दें, हम इसको अपने परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन करें। और इसी प्रयास में सबसे पहला फुल फ्लेज्ड हेल्थ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे भारत में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 1983 में, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। और दोस्तों इसी समय से नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत हो जाती है, जो आज भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया, जब 2000 ईयर आएगा ना, तो उस समय तक हम सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ टू ऑल। दोस्तों इसके फीचर्स थे, टाइम बेस्ड बाउंड प्रोग्राम था, इसने एक समय काल में अपने लक्ष्य को पूरा करने का कोशिश किया था। साथ ही साथ ये कोशिश कर रहा था फॉर डिजाइनिंग द नेटवर्क फॉर द कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब गांव तक बहुत अच्छे से हम नेटवर्क बनाए, जिससे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम हर एक सिटीजन्स को प्रोवाइड करा पाए। साथ ही साथ दोस्तों,
हम देखेंगे कि ये हेल्थ एडुकेशन देने का भी बात कर रहा था, जो बेसिक जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका इलाज जो जनता है वह खुद से कर ले और वह ज्यादा डिपेंडेंट ना हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर बाय द गवर्नमेंट विच आर गिवन एट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लेवल, वह खुद से अपना इलाज करे, इसलिए उसको हेल्थ एडुकेशन भी देने की इसमें बात कही गई थी। दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अचीवमेंट्स थे। तो दोस्तों ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था इसने स्मॉल पॉक्स और ग्यूनिया वार्म डिजीज को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया। पोलियो को लगभग इसने इरेडिकेशन के फेज में लाकर खड़ा कर दिया कि फ्यूचर में अब जो है पोलियो लगभग खत्म हो जाए। साथ ही साथ जो लेप्रोसी है और जो काला ज्वर है दोस्तों उसको इतना हद तक कम कर दिया कि अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये दोनों बीमारियां फ्यूचर में समाप्त हो जाएंगी। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट था ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 1983। इसके बाद कब आएगा हेल्थ पॉलिसी, तो भाई तो 2000 तक डिजाइन किया गया था। अब 2000 में बनना शुरू होगा और हम देखेंगे कि 2002 में दूसरा नेशनल हेल्थ पॉलिसी आएगा जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसके बाद ग्लोबलाइजेशन आता है और जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज का क्या हाल हो जाता है हमारे देश में, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया सरकार अपने आप को पीछे खींचने लगी और कही कि अब हम उतना ज्यादा पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है कि भाई पहले सरकार दावा करती थी कि हम सबको फ्री मेडिकल केयर देंगे, अब जब 8वां 5 ईयर प्लान आया तो दोस्तों सरकार ने इस चीज का दावा जो है वह समाप्त कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों जो सरकार की फंडिंग थी पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में वह कम होने लगी। इससे क्या हुआ कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द विलेज लेवल वे सब मेंटेन नहीं हो पाने लगे और इसी कारण से बैड सर्विसेज मिलने लगी जनता को। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, प्राइवेट एंटिटी लगभग सभी चीजों में आ गई, हेल्थ केयर सेक्टर में भी आई। और दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बताया कि अब बैड सर्विसेज मिल रही हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में, तो जो मिडिल क्लास है वह शिफ्ट कर गई प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को, मतलब वह अब प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज अडॉप्ट कर गई लेने लगी। पहले सिर्फ जो अमीर लोग हुआ करते थे वही कहीं कहीं जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे उसमें अपने सर्विसेज को अवेल किया करते थे, लेकिन अब ये टेंडेंसी मिडिल क्लास में भी देखने को मिलने लगी और जो गरीब था बेचारा वह ऐसे ही मरता गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको सरकारी अस्पताल में ही जाना था और सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था थी वह एकदम लचर हो गई थी। हम इस चीज को डिस्कस किए अभी, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ स्लाइड में मैं एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। इंडिया वॉज कंपेल्ड टू डू एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1990। सही बात है भाई, कोई चारा नहीं था हमारे पास। हेल्थ सेक्टर में ई इमरजेंस ऑफ प्राइवेट एंटिटी मैंने बताया। 8वां 5 ईयर प्लान से फ्री मेडिकल केयर रिवोक्ट कर दिया गया, सही बात है। रोलिंग बैक ऑफ स्टेट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर ये भी मैंने बताया। पहले दोस्तों जब हम बात करें तो 1990 में 1.3% ऑफ जीडीपी टोटल हम हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च करते थे, लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा घटकर मात्र 0.9% हो गया इन 1999। आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद फिर यूपीए सरकार ने वादा किया कि भैया हम 3% ऑफ जीडीपी 2004 तक खर्च करने लगेंगे दोबारा से आपका हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन ये वादा को वह पूरा नहीं कर पाई और हम लोग 2004 तक सिर्फ 1.4% ऑफ जीडीपी ही खर्च कर पा रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम दूसरे तरफ अगर कंपेयर करें तो जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो और भी बाकी देश जो खर्च कर रहे थे अपने हेल्थ केयर सेक्टर पे, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वह था 5.5% ऑफ देयर जीडीपी इन 2004, लेकिन हम कहाँ थे, हम 1.3% ही खर्च कर पा रहे थे। इसके कारण मैंने आपको बताया जो मेंटेनेंस था इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पॉसिबल नहीं हुआ, बैड सर्विसेज मिलने लगी जनता को और जो रिच क्लास पहले सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अवेल करता था ये टेंडेंसी मिडिल क्लास में भी शिफ्ट हो गई टू द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज,
और जो पुअर था कंपेयर टू अवेल द बैड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि तुरंत फिर नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी आता है और ये जो तमाम जो समस्याएं आ गई ग्लोबलाइजेशन के कारण, इसको सही करने का प्रयास करता है और आज भी प्रयास चल रहे हैं। तो देखते हैं 2002 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था, इसने क्या-क्या प्रयास किए। अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो इसका सबसे बड़ा फोकस था कि जो फंडिंग है सरकार की, वह हम बढ़ाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसके द्वारा जो भी मेंटेनेंस नहीं हो पाया है हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स का एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द विलेज लेवल, हम इस चीज को सही करेंगे और चीजों को दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसने 1992 में जो 8th जो 5 ईयर प्लान लाया था, उसमें कह दिया था कि भैया हम लोग फ्री किसी को हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन वो एक तरह से पॉलिसी नहीं था, वो तो एक प्लान था, 5 ईयर प्लान। लेकिन इस 5 ईयर प्लान वाले बात को दोबारा से इसने एडमिट किया नेशनल हेल्थ पॉलिसी में और बता दिया कि भैया जो प्राइवेट एंटिटी ग्लोबलाइजेशन के कारण आई है वह साथ में एग्जिस्ट करेंगी। और इसीलिए इसने फॉर्मली डिलीट कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर। साथ ही साथ इसके कुछ फीचर्स थे, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन हेल्थ केयर सो द पुअर्स कैन ऑल्सो अवेल बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर 2002 में जब ये पॉलिसी बनी, तो ये पॉलिसी बोली कि हम 2015 तक कार्य करेंगे और कुछ गोल्स को सेटअप किया। सबसे पहला इसने गोल सेटअप किया, भैया हम 2005 तक पोलियो को खत्म कर देंगे, लेप्रोसी को भी 2005 तक, काला ज्वर को 2010 तक खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद 2010 तक जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है उसको 30 बाई पर 1000 कर देंगे। साथ ही साथ जो मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो है उसको 100 पर 1 लाख कर देंगे बाय 2010, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों जो इसके परिणाम थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के, ये ब्लेंड था ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। इसमें कुछ चीजें अचीव की गई सरकार के द्वारा और कुछ चीजें अचीव नहीं की गई, जिसको कि आगे के लिए आपको रिजर्व कर लिया गया। और हम अब देखेंगे कि ड्राफ्ट आता है 2015 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, लेकिन वो पॉलिसी नहीं होता है, उसका एक सिर्फ फ्रेमवर्क होता है, ड्राफ्ट होता है। वो सरकार 2015 में बनाती है और मोदी सरकार इसको बनाकर इसको पब्लिक डोमेन में रख देती है कि भाई आप ये बताओ कि ये पॉलिसी सही बनी है कि नहीं। तो इस ड्राफ्ट को और भी बहुत सारे चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो ड्राफ्ट देखते हैं हम लोग नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 का। सबसे पहले इसमें प्रोविजन था कि जो पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। उस समय जो 2015 में हम लोग खर्च करते थे वह था 1.2% ऑफ द जीडीपी। टारगेट रखा गया कि हम लोग 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च करेंगे ऑन द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, जिसमें से जो 40% खर्च होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 60% खर्च होने वाला है कोई भी पॉलिसी में हेल्थ से रिलेटेड उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। साथ ही साथ दोस्तों जिस प्रकार से हमारा जो एडुकेशन है वह फंडामेंटल राइट है, उसी प्रकार से इस ड्राफ्ट ने सजेस्ट किया कि हमें हेल्थ को भी फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने राइट टू एडुकेशन एक्ट 2009 को इनैक्ट किया, उसी तरह से हम लोगों को नेशनल हेल्थ राइट्स एक्ट इनैक्ट करना चाहिए, जिसके द्वारा जो राइट टू हेल्थ है वह एक फंडामेंटल राइट बन जाए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई इसको देने से डिनाई करता है तो भाई उसको पनिश किया जाए। साथ ही साथ इस ड्राफ्ट ने सजेस्ट किया सरकार को कि भैया आप टैक्सेशन लगाओ और टैक्स के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा फंड्स को कलेक्ट करने की कोशिश करो फॉर द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। और इसमें ये भी सजेशन दिया गया कि अब भैया सेस लगाना शुरू करो। सेस का मतलब क्या होता है? तो टैक्स ऑन टैक्स, जो आप टैक्स देते हैं जो लग्जेरियस जो गुड्स होता है उसमें टैक्स के अलावा भी एक टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर में उसको सेस कहा जाता है। सेस का खास बात होता है कि भैया इसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही खर्च करते हैं। मान लो अगर आप फ्यूचर में कोई गुड्स लेते हो और उस पर लिखा हुआ है कि भैया आप यहाँ एडुकेशन सेस दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो जो टैक्स गया वह सिर्फ एडुकेशन के लिए ही खर्च होगा। इसी तरह से हेल्थ सेस के लिए भी प्रोविजन के लिए सजेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ ये ड्राफ्ट ये भी एश्योर करता है दैट देयर शुड बी द यूनिवर्सल एक्सेस टू द फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक इन द गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स। दोस्तों इसके और भी हाइलाइट्स होते हैं, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना चाहता है, जो मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को और कुछ हद तक कम करना चाहता है।
और साथ ही साथ जो इन्फेक्शियस और जो नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसको भी समाप्त करने की बात कहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको 30 दिसंबर 2014 को फॉर्मुलेट करके जनता के सामने रख दिया गया कि जनता आप इस पर कुछ चाहें तो सुझाव दे सकते हैं, और उन सुझावों के माध्यम से एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का निर्माण किया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के, जो कि बहुत ही आसान भाषा में लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। टू अचीव द ऑप्टिमल लेवल ऑफ बेटर हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर अरेंजमेंट्स इन ऑल डेवलपमेंट पॉलिसीज, टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट एनी वन हैविंग टू फेस द फिनेंशियल हार्डशिप एज अ कॉन्सिक्वेंस। इसके कुछ फीचर्स हैं जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, इसने अपना गोल सेट किया कि हम 2025 तक अभी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67.5 ईयर्स, इसको हम बढ़ाकर 70 साल कर देंगे। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, भाई इसको हम लोग बढ़ाकर 2.5% ऑफ GDP कर देंगे बाय 2025, जो कि अभी भाई मात्र 1.15% ही हम खर्च कर पा रहे हैं। फिर साथ ही साथ एस्टेब्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फैसिलिटी एज पर नॉर्म्स इन द हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट बाय 2025, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये भी बात स्वीकार किया गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर अब जो है पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करेगा, और इससे हेल्थ केयर जो सर्विस है उसमें हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देख सकते हैं। और साथ में ये जो पॉलिसी है इसमें ये भी कहा गया कि हम लोग फॉर द बेटर हेल्थ फैसिलिटी देंगे एक्सेस टू द सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन टू ऑल बाय 2020, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए, जिसको इंक्लूड किया गया आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, बिकॉज जहां स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हम किस प्रकार से इसको कंक्लूजन में हम अपने आंसर्स में लिखेंगे, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ये रहा कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, जो कि अपने आंसर्स में आप लास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये लिख सकते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो 1952 के आसपास में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि एक एवरेज इंडियन कितने साल जिएगा, तो वह सिर्फ 32 साल थी। सोचो क्या हाल था, जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था कि भाई अगर बच्चा अगर 1,000 पैदा अगर लिया तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 साल की उम्र के पहले मर जाएंगे, तो 1,000 में 218 बच्चे ऐसे होते थे। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट काफी अधिक था और आज बहुत ही कम है, आप देखोगे 20-22 के आसपास ही होगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आज के अगर साथ आप तुलना करें तो। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 67 ईयर हो गई है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कम हुआ है और भी तमाम चीजें कम ही हुई है। साथ ही साथ दोस्तों जो 3-tier स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, वह लगभग सभी गांवों में, सभी शहरों में, सभी जिलों में अब डेवलप हो चुके हैं। तो दोस्तों काफी इम्प्रूवमेंट हमारे देश ने किया है, लेकिन चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत हैं, क्योंकि WHO कहता है कि भाई हर एक देश में कम से कम 1,000 लोगों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में एक से भी कम डॉक्टर, मतलब 0.62 डॉक्टर्स हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 1,000 पीपल। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी इंडेक्स जो 2018 में लैंसेट नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया था, उसमें हम भाई 145वें रैंक में थे 195 देशों में से। ये इसलिए है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं हम कितने पिछड़े हैं, मतलब 195 देश में भाई हम लोग 145 रैंक पे आ रहे हैं। तो काफी खराब स्थिति है हमारी, तो इसीलिए अभी भी सरकार को काफी ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। और जो प्राइवेटोफोबिया हो गया है लोगों के मन में कि जब जाते हैं तो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही जाते हैं, इस चीज को दूर करने की आवश्यकता है। और ये दूर तभी होगी जब लोग देखेंगे कि भाई अब सही तरीके से सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी किया, सभी एक तरह से चेन खोल दिया फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो आपने इस चीज को देखा होगा। तो दोस्तों इसी कंक्लूजन के साथ मैं आज के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पर आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप पूरा लिख लेंगे।
और इस पर ऐसे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन लिखने को आते हैं जिसको आप भाई बहुत आसानी से लिख लोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को, वीडियो को अगर हो सके तो शेयर किया करो भाई, सब्सक्राइब जरूर किया करो। इतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलने वाला है। मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में बहुत नया हूँ इसीलिए मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको यूट्यूब पर सभी चीज़ें को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसीलिए भाई मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करोगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे। तो प्लीज़ भाई फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर करो और जरूर करो। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहो विद पढ़ो तो ऐसे। धन्यवाद।